कल 20 तारीख इलेक्शन डेट है फॉर लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी। इस इलेक्शन के लिए बहुत फैसिलिटीज क्रिएट किया है एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके लिए 2 महीने से बहुत मेहनत किया ने कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन ने। इस इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स क्या है, इसके बारे में एक ब्रीफिंग देने के लिए मैं सबको बुलाया था आज। कल इलेक्शन वोट कास्ट करने से पहले आपको याद रखना है, आपको 12 डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है। मतलब देर आर 12 एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स, इसमें आधार कार्ड है, एमएनडी का जॉब कार्ड है, पासबुक, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड इश्यूड बाय आरजीए अंडर एनपीआर, इंडियन पासपोर्ट, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ इशू टू सेंट्रल स्टेट पीएसयू पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, या ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड इशू टू एमपीज, एमएलएस, एमएलसीज, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से वो कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट विथ फोटोग्राफ। ये 12 डॉक्यूमेंट्स, इसमें से एक डॉक्यूमेंट मिनिमम चाहिए और ये फिजिकल कॉपी होना चाहिए, ये मोबाइल में आप नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट है मोबाइल फोन्स बिल्कुल मना है, आप वहाँ पे मोबाइल फोन नहीं लेके जाना है, प्लीज़ अवॉइड कर लीजिए। अगर आपको ज़रूरत है फिर भी आप लेके जा रहे हो, फिर आपके जिम्मेदारी है वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करवा दीजिए, क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। 100 मीटर पेरीमीटर में हम आपको फ्रिस्किंग कराएंगे, चेकिंग कराएंगे, उस टाइम अगर फ़ोन है हम साइड में रखना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट है पार्किंग के बारे में, कल 144 लगाया है बट उसका मतलब नहीं है मूवमेंट बिल्कुल मना है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए 144 लगाया है, फ्री मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं हम। आपको वोट कास्ट करने के लिए कुछ इश्यू नहीं आएगा, बट 200 मीटर पेरीमीटर के अंदर, वोटिंग बूथ का 200 मीटर पेरीमीटर के अंदर आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते हैं। वहाँ पे एलोकेटेड पार्किंग एरिया होगा, वहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर लीजिए, और बल्क ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। अगर गाड़ी का लिमिट 5 है, 5 ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है उस गाड़ी में, क्योंकि कल एमवी एक्ट वायलेशंस के ऊपर हम बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। जो भी ट्रांसपोर्ट है आपका, प्रॉपरली आपके खुद के गाड़ी में आ जाना है। नेक्स्ट है फ्री ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं कराना है पार्टीज, अगर कुछ पार्टी या ऑर्गेनाइजर फ्री ट्रांसपोर्ट अरेंज करा रहे हैं आप रिपोर्ट कर लीजिए। इसमें फ्री बस सर्विस या फ्री कुछ भी वैन सर्विस, ये सब बैंड अंडर सेक्शन 133 आरपीए एक्ट और सेक्शन 123(5) आरपीए एक्ट। इफ़ यू नो एनी रिपोर्ट, अगर आपके पास कुछ खबर है इसके बारे में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोगस वोटिंग के बारे में, अंडर 17 आरपीए एक्ट नो पर्सन टू बी रजिस्टर्ड इन मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा आप वोटर आईडी नहीं बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है। 18 आरपीए एक्ट के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में मल्टीपल वोटर कार्ड नहीं बना सकते हो, और किसी और के नाम पे आप वोट नहीं डाल सकते हैं अंडर 171D IPC। ये तीनों ऑफेंसेस है, ये भी याद रखना है। अगर कोई ऐसे वोट डाल रहे हैं फिर आप रिपोर्ट कर सकते हैं हम। और इसके अलावा करप्ट प्रैक्टिसेस आर लिस्टेड अंडर 123 आरपीए एक्ट, इसमें मेन ऑफेंसेस है प्रमोशन ऑफ एनिमिटी। अगर कोई बोलेंगे ये इस रिलीजन को या इस कास्ट को ऐसे नहीं करना है, इसके वजह से नहीं करना है, कुछ एनिमिटी क्रिएट करने के लिए ट्राई करते हैं, वो भी एक ऑफेंस है। इंड्यूसमेंट टू वोट और नॉट टू वोट, आपका वोट आपका ही है, कोई और आपको नहीं बताना है इसको वोट डालो, या मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इलेक्शनियरिंग ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करना है। और ये लास्ट 48 आवर्स है, अभी इलेक्शनियरिंग भी बंद हो गया है। अगर आपके पास कुछ रिपोर्ट है, अगर कोई पैसा लेके आते हैं या आपसे वोट मांगने के लिए कुछ रैली में आते हैं, आप रिपोर्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है आर्म्स के बारे में, कोई भी पोलिंग स्टेशन में आर्म्स लेके नहीं जा सकते हैं, वेपन्स बिल्कुल मना है। अगर आपके पास पीएसओ है या कोई बंदा पीएसओ लेके अंदर जा रहा है वो भी मना है। इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट इसमें एक ही एग्जेम्पशन है, वो ज़ेप्लस सिक्योरिटी के लिए, वो भी कंसील्ड वेपन है। अपार्ट फ्रॉम ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी, कोई भी वहाँ पे वेपन लेके नहीं जा सकते। ये कल के लिए मुझे बताना था, सो दैट आपका वोटिंग प्रोसेस भी इजी हो जाएगा। सो आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू कम आउट एंड वोट। सो
आई होप दैट एवरीबडी विल कास्ट देयर वोट टुमारो. थैंक यू सर. सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किया है, खासकर क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पे, और साथ साथ अगर किसी को कंप्लेंट करना है तो कैसे और कहाँ कर सकते हैं? सो सिक्योरिटी के लिए हम 118 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किया है. इसके लिए बहुत रीजन्स है, अलग अलग रीजन्स है. पास हिस्ट्री है या वहाँ पे वोटर ज़्यादा है, सो लॉन्ड ऑर्डर एंगल से हमने किया है. इसमें मिनिमम 4 CAPF मैन को रखा है, मतलब आधा सेक्शन रखा है. सो ये लॉन्ड ऑर्डर डील करने के लिए और क्यू मैनेजमेंट के लिए एक्स्ट्रा नफरी भी हमने रखा है. सो वीमेन के लिए अलग से क्यू भी हमने बनाया है. सो लॉन्ड ऑर्डर एंगल से वी आर वेल प्रिपेयर्ड. इसके अलावा हमारे पास QRTs है बहुत और भी फोर्सेस है. सर हमारा जो काम है सर इसी पे होता है सर, फोन पे हमें अलाउड है सर फोन उठा के जाना. सो फोन 100 मीटर्स